हैं इस वीडियो में कुंभ राशि या कहें कुंभ लग्न वालों की। अगर आपकी राशि जो है वो कुंभ है, यानी कि आपकी चंद्रमा जो है अगर वो 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में वहां बैठे हैं, तो आपकी राशि क्या हो जाएगी? कुंभ। और अगर आपका लग्न, ये जो प्रथम भाव है कुंडली का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका लग्न भी हो जाएगा कुंभ। तो ये जो जानकारी है वो कुंभ राशि और लग्न राशि के ऊपर निर्भर करेगी, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यानी कि आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, जातक या जातिका, तो आपके ऊपर ये सटीक बैठेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियोस वगैरह देखते रहें, और कोई समस्या हो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जानें। कुंभ राशि का अधिपति शनि है या कुंभ लग्न का अधिपति शनि है। शनि पाप ग्रह है, काला उसका रंग होता है। जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग होते हैं उनका कद जो है मध्यम कद का होता है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, थोड़े सांवले होते हैं, गोल सर होता है, नाक के नथुने और गाल जो है थोड़े फूले फूले होते हैं, लंबी सोच सकते हैं, पूरा शरीर वैसे स्लिम ट्रिम रहता है लेकिन अक्सर सिर्फ पेट निकल आता है, सोच समझ कर गंभीर वाणी बोलने वाले इंसान होते हैं। यह राशि पुरुष जाति स्थिर है और वायु तो प्रधान तत्व है, तो इस राशि वाले पुरुष का प्राकृतिक स्वभाव विचारशील है, शांत है, धर्म भीरू है, नवीन आविष्कारों को करने का दम इस राशि के अंदर होता है, यानी कुछ नया खोज विचार करने का दम इस राशि के अंदर होता है। कुंभ राशि का चिन्ह जो है वो एक व्यक्ति है जो घड़ा लिए हुए है और पानी गिरा रहा है, जल से परिपूर्ण घट है, अतः इस राशि वाले पुरुष की आकृति घड़े के समान गोल और वाणी घट के समान गंभीर व गहरी होती है। घट समझते हैं पानी का तालाब, तालाब जैसे शांत भी होता है और खूब गहरा भी होता है, यानी गंभीरता से विचार करते हैं, शांत होते हैं, या ऐसा भी कह लें कि जब तक पानी शांत रहता है तब तक ठीक है, जब गुस्सा आ गया तो एकदम से भड़क उठते हैं। जैसे आप शांत पानी का तालाब हो तो पानी एकदम ऐसे लगेगा बिल्कुल रुका हुआ पानी, लेकिन एक चावल का दाना भी फेंक दें तो कैसे उसमें लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, तो अगर छेड़ दिया जाए इनको तो फिर ये ऐसे ही छिड़ जाते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग, ऐसे लोग ज्यादातर बाहरी दिखावे में विश्वास रखते हैं, भीतर से खोखले और बाहरी दिखावे में सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आपका जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आप भीतर ही भीतर कष्ट सहते हैं परंतु बाहर से आह तक नहीं निकालते हैं। ये पूर्णतया रहस्यवादी होते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में अपनी पूंजी का फैलाव सही पूंजी से कई गुना अधिक करते हैं, यानी थोड़ी व्यापार की समझ कम होती है, जितना करना है उससे कहीं ज्यादा कर बैठते हैं। इनकी वास्तविकता को पहचानना बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा बड़ा जोखिम लेने से ये लोग हिचकिचाते नहीं है, बड़े बड़े जोखिम लेने से डरते नहीं है। सामान्यतः कुंभ लग्न में उत्पन्न जातक या जातिका स्वस्थ, बलवान व चंचल होते हैं, परंतु इनका व्यक्तित्व आकर्षण होता है जिससे अन्य जो दूसरे लोग हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं, यानी ये जहां जाते हैं वहां पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। ये स्वभाव से प्रगतिशील क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं, पुराने रीति रिवाजों को कम ही स्वीकारते हैं या कम ही मानते हैं, अन्य जनों के प्रति इनके मन में स्नेह और सहानुभूति विद्यमान रहती है, दूसरों के प्रति इनके दिल में दर्द रहता है और धार्मिकता की भावना में अल्पता रहती है, यानी धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते, या लोग आधुनिकता यानी कि नए जमाने के साथ चलना पसंद करते हैं। साहित्य कला में रुचि के साथ साथ ये अच्छे उत्तम वक्ता होते हैं, बोलने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, इनका सांसारिक दृष्टिकोण बहुत विशाल होता है, ये देश दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इनके हृदय में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के लिए नहीं रहता, ये सभी को समान समझते हैं, पर अध्ययन के प्रति इनकी रुचि रहती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, खूब सारा ज्ञान अर्जित करते हैं और एक अच्छे सम्मानित इंसान बनते हैं, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे ही ये अपने गुणों का प्रदर्शन करके अच्छे नेतृत्व को दिखाकर सभी का दिल जीत लेते हैं, और इनको जैसे ही कोई मौका मिलता है उस मौके को तुरंत ही पकड़ लेते हैं, इन मौके को समझने से जैसे पकड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे होते हैं, मौका मिलते ही ये उसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। ये लोग भावुकता में यानी दिल से सोचकर कोई काम नहीं करते बल्कि दिमाग से काम करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, किसी की कही सुनी बातों में आके काम नहीं करते।
और धन दौलत वैभव भौतिक सुख साधन को अर्जित करने में इनको आनंद आता है और ये अपनी बुद्धि से धन दौलत सुख को प्राप्त भी करते हैं और इसका उपभोग भी करते हैं और खुश भी रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न का जो भी जातक है वह स्वस्थ है, बलवान है, परंतु मन में अस्थिरता रहती, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। आप अपनी जो आपके गुण हैं, विद्वान हैं आप, बुद्धिमान हैं, शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में आप बड़ी सफलता से काम करते हैं, आपके जो फल आपको मिलते हैं जीवन में जो भी कुछ करते हैं बहुत ही उत्तम मिलते हैं, उन्नति और प्रगति आपके जीवन में होती है, बहुत ही सफल रहते हैं जिस भी क्षेत्र में होते हैं, आप बहुत बारीक बारीक चीजों पर बहुत काम करते हैं, आप अपने काम से दूसरे को प्रभावित करते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपके अंदर गुण है कि आप हर विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, आप दूसरे को समझना चाहते हैं, दूसरी चीजों को समझना चाहते हैं, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की बहुत बड़ी ताकत होती है, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक होता है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, जहां जाएंगे लोग मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे, आपसे बात करना, आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपके पराक्रम में तेज होता है, आप कहीं खड़े हो और लोग आपके आस पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लोग आपसे बातचीत करेंगे, सांसारिक महत्व और कार्यकलापों को आप बड़ी परिश्रम से प्राप्त करते हैं, संसार में जो भी चीजें बनी हुई हैं चाहे वो अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अपनी मेहनत से इन सब चीजों को प्राप्त करते हैं और सफलता मिलती है। भौतिक सुख घर घर में भौतिक सुख, क्या एसी है तो वो भी भौतिक सुख है, टीवी का सुख भौतिक सुख है, गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, बढ़िया गद्दे बिस्तर का सुख, बढ़िया आभूषण का सुख, ये सारे सुख आप चाहते हैं, घूमने फिरने मौज मस्ती का सुख, तो ये सारे जो सुख हैं इन सुखों को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं और उनको पा लेते हैं। अब बहुत दोस्ती यारी में बहुत विश्वास रखते हैं, लोगों के यार होते हैं, दिल से दोस्तों की सेवा करते हैं और आनंद पूर्वक वक्त बिताते हैं, लेकिन कई बार यही सब कुछ दोस्ती यारी बहुत ज्यादा सुखों को प्राप्त कर लेना आपके लिए परेशानियों का कारण भी बनता है। आर्थिक रूप से आप बहुत ही मजबूत रहते हैं, पैसा वैसा आपके पास होता है, आवश्यक मात्रा से ज्यादा धन आपके पास होता है और बहुत अच्छा लाभ आप अपनी नौकरी व्यापार और हर क्षेत्र में प्राप्त करते हैं, यात्रा करना आपको पसंद होता है, जैसा मौका वैसी बात करते हैं, जैसा मौका वैसा काम करते हैं, खूब भ्रमण करके पैसा कमाते हैं, यात्रा इत्यादि में आप बहुत रुचि रखते हैं, घूमना फिरना आपकी एक कमजोरी भी कहा जा सकता है। आप पैसा कमाते हैं नौकरी से, व्यापार से, जिस भी क्षेत्र से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा खर्च भी करते हैं, अपने पैसे का उपयोग करते हैं, यानी कि सिर्फ जमा ही करते रहते हैं, धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा रहेगी परंतु धार्मिक कलापों में आप भाग नहीं लेंगे, आप ईश्वर को मानेंगे, आप कहेंगे ईश्वर है, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, आपसे कहा जाए आप मंदिर जाएं, आप मंदिर में ये करें, आरती करें, वो करें, ये सब नहीं करेंगे, हाँ ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा रख सकते हैं आप, यानी जो रीति रिवाज है वो कम मानेंगे लेकिन ईश्वर में विश्वास करेंगे। हाँ यदा कदा कभी 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 कभार आपका मूड अच्छा हो और कोई ग्रहों की कृपा हो जाए तो आप तीर्थ यात्रा वगैरह कर लेते हैं, मतलब दिल से भगवान को मानते हैं, हो सकता है मंदिर ना जाए लेकिन दिल से भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, आप पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं, पुरुष हैं या महिला जो भी हैं, भौतिक सुखों का उपयोग करने में आपको आनंद मिलता है, आप इस दुनिया में मौज मस्ती करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कुंभ राशि शीर्षोदय तमोगुणी राशि है, इस राशि वाले लोग गुस्सा कम करते हैं और एकांत प्रिय होते हैं और कभी कभी स्वार्थी भी बहुत होते हैं, यानी अपने से इन्हें मतलब होता है। आपका जन्म अगर घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आप सर्वदा सरल स्वभाव वाले होंगे, उदार हृदय के होंगे, स्नेह युक्त व्यवहार करने वाले होंगे, कीर्ति पाने वाले होंगे यानी नाम कमाने वाले होंगे, आपका व्यापार बहुत ही अच्छा होगा और ये समझ लीजिए कि 36 वर्ष की आयु में आप घर वाहन व्यापार सब कुछ सेट कर लेते हैं। कुंभ लग्न जो है वो पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो इस राशि के पेट के जो भीतर पेट पेट के जो भाग होते हैं उसका विचार किया जाता है, जो पेट होता है ना हमारा टमी, उसका विचार किया जाता है। आपका स्वभाव बड़ा ही मृदु और सरल होता है, आप सद्गुणों से पूर्ण होते हैं परंतु संकोचशीलता आपकी कमी है, आप थोड़ा सा शर्माते भी हैं, आपके आपको प्रतिपल वहम सा रह सकता है, थोड़े से वहमी और शक्की भी होते हैं आप ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला आपसे जल रहा है, आप
सामने वाले के प्रति गलत विचार मन में लेके आते हैं, चाहे सामने वाला आपके प्रति कुछ भी सोचे या ना सोचे, लेकिन आपको लगता है कि मेरी तरक्की से सामने वाले मुझसे जल रहे हैं, और इस कारण से आप लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। कई बार अजनबी लोगों से भी आप लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, बेवजह लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, तो ये आदत आप में होती है, तो इस आदत से आपको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा बुरा सोच रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे को फायदा उठा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे जल रहा है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला ऐसा कर रहा हो, आप बेवजह शक करके उससे लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे, और बेवजह जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दुश्मनी पैदा हो जाएगी और आपके लिए बुरे परिणाम लेकर आएगी। कई बार आपके मन में गंदे विचार आते हैं, अचानक से आप किसी काम को कर रहे हैं और अचानक से उस काम को छोड़ देंगे, लो अब नहीं करता, मायूसी आ जाती है। कार्यों में जो रुकावट या परेशानी आती है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में तो आपको क्या करना चाहिए, आप नीलम रत्न की अंगूठी धारण करें या काले घोड़े की नाल को धारण करें, जो लोहे की होती है। इसके अलावा नीलम रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप शनि प्रधान मंत्रों का जाप करें, और बाकी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको अन्य उपाय भी बताए जा सकते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत गड़बड़ी शुरू हो गई है, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर अपने लिए उपाय जान लेने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपके बारे में ही कुछ बताया। वैसे तो ये जो वीडियो है ये कुंभ लग्न पर ज्यादा आधारित है, लेकिन हमने बीच बीच में राशि को भी लेकर आए हैं, तो राशि के अनुसार भी हमने बताने की कोशिश करी। लेकिन जो भी लोग इसको कुंभ लग्न के आधार पर देखेंगे, लग्न क्या होता है उसको समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कुंडली, इसमें जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में भी 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कुंभ लग्न के जातक या जातिका हैं। लेकिन आप राशि से भी देखकर काफी हद तक इसका फायदा उठा पाएंगे, लेकिन लग्न से देखेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। और कुंभ लग्न के लोग जो होते हैं, मैंने कहा दोस्ती यारी में बहुत विश्वास रखते हैं, दोस्तों यारों के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी इनकी एक कमजोरी होती है। तो कुल मिलाकर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।